दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। बस यहाँ पे मुझे डीएक्टिवेट अकाउंट सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना होता है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड डालना होता है। अगर मुझे पासवर्ड याद नहीं होता है तो मैं फॉरगॉट कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मुझे कोई रीजन सेलेक्ट कर लेना है कि क्यों मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करना है, और टेम्पररी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक यही है कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पररी डीएक्टिवेट कर सकते हो। टेम्पररी डीएक्टिवेट करने के बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम से गायब हो जाएगा, यानी कि किसी को सर्च में दिखाई नहीं देगा और ना ही किसी को आपका अकाउंट फॉलोइंग या फिर फॉलोअर लिस्ट में दिखाई देगा। तो अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के बाद कभी भी आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस से लॉगिन करके अकाउंट को चालू कर सकते हो, रीएक्टिवेट कर सकते हो, यानी कि डीएक्टिवेशन टेम्पररी होता है। तो अगर आपको किसी भी कारणवश इंस्टाग्राम से कुछ समय के लिए ब्रेक चाहिए, चाहे आपका एग्जाम आ गया हो या फिर कोई भी कारण हो, तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको अकाउंट को डीएक्टिवेट करना होता है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लोगे। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 लाइन दिखता है, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आ जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में ही अकाउंट सेंटर दिखाई देगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। अकाउंट सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल दिखाई देगा अकाउंट सेटिंग के लिस्ट में। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन ये दिखाई देगा। यहाँ से बस आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो। अगर आपने अपने अकाउंट सेंटर से मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर रखा है तो वो भी दिख जाएगा। तो जिस भी अकाउंट को डीएक्टिवेट करना हुआ वो आप सेलेक्ट करके यहाँ से कंटिन्यू कर लोगे, और बाकी आपको आगे पासवर्ड इंटर करके रीजन सेलेक्ट करके डीएक्टिवेट कर लेना है।